घड़ी मार कर लिया है इस तरह से, सिर्फ एक साइड कट कर कर लेंगे पहले बैक से। इसके हाइट लेंगे हम ये टोटली पूरी, यानी 42 है ये, 43 तो पूरी लेंगे ये 43 लेकर यहाँ पर लेंगे हम शोल्डर है 6, आर्म होल है 6, छाती 9+2 यानी 11 लेकर यहाँ पर 1 इंच पर और 1.5 इंच पर 2 मार्किंग कर कर लेंगे। कमर ऊंची लेंगे 13.5 और कमर घेर लेंगे 7.5+2 9.5। यहाँ से कट की ऊंची लेंगे हम 14 लेकर यहाँ पर सीट घेर लेंगे 18 का यानी 9 है, 9+2 11 ये लेकर ये स्ट्रेट कट कर कर लेंगे। हम सिर्फ अभी पहले बॉडी निकालेंगे फ्रंट की यानी यहाँ पे कमर ऊंची है हमारी 13 की यहाँ पर, तो 1 इंच सिलाई माया इस तरह हम यहाँ पे रखकर पहले बॉडी काट कर लेंगे। आप चाहे तो वापस से माप भी डाल सकते हैं, मैं यही रखकर कट कर रही हूँ। सिर्फ बॉडी कट कर लेंगे। ये फ्रंट है तो इसका खड्डा आएगा यहाँ पर। ये बैक साइड हमने जो कट किया था, अभी बॉडी हमने काट ली है तो बॉडी का उतना पार्ट हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर ये रख कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच माया लेंगे इसके ऊपर सीने के लिए, लेकर ये सीधा कपड़ा लेना है हमें। यह हमारी बैक साइड, ये फ्रंट है। फ्रंट में यहाँ पर चुनेंगे इस तरह, ये होगा फ्रंट हमारा और ये है बैक। अभी आस्तीन कट कर लेंगे। आस्तीन की लेंथ लेंगे 13 12 है प्लस 1 13। अब 13 के 3 इंच नीचे आकर सेम प्रोसीजर से हम आस्तीन कट कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक है, ये आस्तीन इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी सीएंगे 2.5x2 का है यानी 2.5x2 का, इसको राउंड शेप दिया है हमने और इसको राउंड फिट कर लेंगे इस तरह से। फिट कर लेकर इसको सीधा करेंगे। सीधा कर इस तरह और एक 4 बना कर लेंगे। यहाँ से गला छोड़ेंगे हम, पहले गले के ऊंचाई 4 इंच छोड़कर फिर ये 3 लगा कर लेंगे। 3 बैठे या 4 बैठे तो लगा कर लेंगे उसमें सेंटर में बराबर। अब ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है, 2.5 इंच की पट्टी को यहाँ से फोल्ड कर लिया है। ये बराबर सेंटर में इस तरह रखकर इसको इतना गैप मोच कर लेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि गले में जाए। उसके बाद दूसरे तरफ भी इस तरफ फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड कर कर यहाँ पर हम लेस लगा कर लेंगे। एक लेस है इस तरह की, ये अंदर डालकर यहाँ से लगा कर लेंगे इसको। इसका भी हमने सेंटर निकाल कर लिया है और इस कपड़े का भी सेंटर निकाल कर लिया है यहाँ पर। तो ये सेंटर को सेंटर रख कर लेंगे, यहाँ पे रख कर यहाँ से जोड़ते हुए आएंगे। जब हम सेंटर से 4.5 इंच दूर रहेंगे तब हम चुन लेने हैं हमें यहाँ से भी 4.5 इंच, सिर्फ इतने में चुन बैठेंगे अपने यहाँ पर ये इस तरह से चुन। साइड में इस तरह ऊपर लेंगे, ऊपर लेकर इसको एक तरफ पर शिफ्ट मार देंगे। ऊंचाई लेंगे 2.5 और ऊंचाई लेंगे 4 लेकर गले को राउंड शेप देकर कट कर कर लेंगे। गला इस तरह से दिखेगा हमें, अभी इसको पट्टी लगा कर लेंगे। हम पट्टी लगाते हैं तो उल्टे तरफ से सामने की तरफ लेंगे, तो ये पट्टी को मैं उल्टे तरफ इस तरह रख कर ले रही हूँ और एक डाकर टिक मारेंगे बराबर। ये हमारी क्रॉस पट्टी है, सीधे तरफ लेकर यहाँ पर एक फोल्ड और सेकेंड फोल्ड इस तरह करेंगे यहाँ पर। हिस्सा कुछ इस तरह दिखेगा हमारा यहाँ पर। इस तरह के मोती हम यहाँ पे सेंटर में लगा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये मोती लगा कर लेंगे। हमारा फ्रंट है और ये बैक है, अब शोल्डर जोड़ कर लेंगे। शोल्डर जोड़ कर फिर आस्तीन लगा लेंगे। शोल्डर जोड़ते समय हम बैक का साइड इस तरह लग कर रहे हैं इसको, ताकि शोल्डर कच्चा ना दिखे। फ्रंट और बैक दोनों तैयार है, अब इसको आस्तीन लगा कर लेंगे सेंटर से। साइड में लगा कर सीधे पर पलटा कर लेंगे पट्टी को। बैक साइड से मैं लगा रही हूँ, यानी उल्टे बाजू पर सीधे तरफ।
ये देखो इस तरह लेकर इसको इतना हमें थोड़ा सा हमने 1 इंच की चौड़ी पट्टी ली है ये। लेंगे 18, यहाँ से कमर ऊंची लेंगे हम, पहले तो से कट के लंबाई डालेंगे हम यहाँ से 13.5 का सेंटर 7.5, सेम इसी तरह यहाँ पर भी 13.5 का सेंटर 7.5, यहाँ जहाँ 7.5 है यहाँ पर कमर घेर लेंगे 15, सेंटर में आएगा हमारा 7.5 और 15, सीट भी लेंगे हम 18, सेंटर में लेंगे 9, ये 18। अब इसी के ऊपर टिक मार्कर लेंगे, हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच से सीधा कट कर लेंगे कट बनाने के लिए। ये बराबर आधे आधे इंच पर इस तरफ फोल्ड करने से हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। यहाँ से सीधा ऊपर लेंगे, बराबर ये जहाँ पर ख़त्म हो हमारा कट वहाँ से स्टॉप होंगे, स्टॉप होकर यहाँ से इस साइड आकर ये भी फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर यहाँ पर रफू कर लेंगे ताकि कट खुले ना, और यहाँ से नीचे आएंगे। ये हमारा टॉप तैयार हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पर भी हमने बॉर्डर लगाई है इसको, फ्रंट से इस तरह चुन दिखेगा और बैक से प्लेन है, तो इसको डमी को डालकर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोटस स्टिचिंग एंड हसन ब्लॉग। आज हम एक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये ड्रेस का पूरा लुक है हमारा, सामने यहाँ पर चुन लिया है हमने, बैक साइड प्लेन है पूरा। ये ड्रेस मटेरियल में हमने तैयार किया है, आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।